मॉर्निंग चिल्ड्रंस, आज मैं क्लास 7 और 8 दोनों के लिए वॉयस चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ इंग्लिश ग्रामर से। पिछली कक्षा में वॉयस के बारे में आपको मैंने बताया था, आज मैं एक बार फिर से उसका रिवीजन कर रहा हूँ और एक रूल बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू चेंज एन एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को पैसिव में कैसे बदलेंगे। आज मैं इसकी जानकारी रूल्स के तहत आपको देने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं हमने यहाँ लिखा है रूल फॉर चेंजिंग इनटू पैसिव। यहाँ एक नियम काम नहीं करेगा, इसमें कई नियम कई रूल्स फॉलो किए जाएंगे तब जाकर के एक एक्टिव सेंटेंस पैसिव में चेंज होगा। सबसे पहले एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन में मैंने पिछली कक्षा में जिक्र कर लिया है आपके बीच कि सेंटेंस में जो एक्टिव या पैसिव कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं, इसकी चर्चा मैं आपके बीच कर चुका हूँ, इसलिए मैं उसका फिर से आपके पास प्रस्तुति नहीं कर रहा हूँ। आप याद रखें कि सेंटेंस में जब चेंजिंग शुरू करेंगे एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए, तो सबसे पहला जो रूल है वह यह होगा कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जिस सब्जेक्ट को अपने पास रखे हुए हैं उस सब्जेक्ट को हम पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट बना देंगे और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे। ये उसका रूल है। हमने दूसरे रूल में उसका जिक्र किया है कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना देते हैं, यानी सेंटेंस की शुरुआत उसके से होगी। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उससे पैसिव वॉइस की शुरुआत की जाएगी। ये दूसरा रूल है। तीसरे रूल, सब्जेक्ट के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। ऑक्सिलरी भी आपको मैंने बताया है सहायक क्रिया, एम इज आर वाज वेयर हैज हैव हैड एंड सो ऑन। इन सारी क्रियाओं को हम ऑक्सिलरी सहायक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट के अनुसार ऑक्सिलरी का कलेक्शन सिलेक्शन आपको खुद से करना है कि कौन सा वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ सुटेबल है, इसकी जानकारी भी आपको पूर्व में है। नंबर 4, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यह अहम बात है बच्चे, मैं इस रूल को अंडरलाइन किए देता हूं, आप हमेशा याद रखें पैसिव वॉइस टेक्स ऑलवेज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आइदर इट इज एनी सेंटेंस इन टेंस, यह कोई वाक्य किसी भी काल में हो तो इसमें जो पैसिव बनाया जाएगा पैसिव वॉइस के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा, आप दूसरे किसी रूप का उसके साथ प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इसे खास तौर से आपके लिए अंडरलाइन कर दिया है। नंबर 5, ऑब्जेक्ट के पहले बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, यानी जब आपका सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज होगा तो पैसिव वॉइस का जब आप ऑब्जेक्ट लिख रहे होंगे उसके पहले बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग आवश्यक है। अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो आपका सेंटेंस अधूरा रह जाएगा, इनकम्प्लीट कहा जाएगा उसको, वो पूर्ण नहीं होगा। और इस पूरे रूल्स को मैंने एक स्ट्रक्चर देकर के आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है। जो सेंटेंस आप एक्टिव से पैसिव में फॉर्म करेंगे बदलेंगे उसका जो स्ट्रक्चर होगा वह इस तरह का होगा, यानी पहले एस सब्जेक्ट को लिखा जाएगा, नंबर 2, उसके बाद तुरंत ऑक्सिलरी वर्ब को हम लिखेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में मैंने बताया कि सब्जेक्ट के अनुसार खुद से आपका चयन करना है, इज होगा, एम होगा, आर होगा, या और भी जिसे मैंने जिक्र किया टू बी वर्ब के फॉर्म्स जो भी हैं कौन से होंगे इसका सिलेक्शन आपको खुद से करना है सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार। उसके तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको रखना है,
और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई प्रीपोजिशन को रखना है, इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगा। आपको मैंने यहां लिखा है कि ऑब्जेक्ट के पहले बाई प्रीपोजिशन, यहां ऑब्जेक्ट है बाई प्रीपोजिशन इसके पहले आएगा और तब यह कंप्लीट सेंस देगा। यह एक उदाहरण मैंने आपके लिए लिखा है, एग्जाम्पल है ही प्लेज लूडो, वह लूडो खेलता है। यह एक्टिव में है, यहां पर एक्टिव मैंने लिखा है, इसका शॉर्ट फॉर्म है सिटी। एक्टिव सेंटेंस है ही प्लेज लूडो, इसका पैसिव फॉर्म होगा लूडो इज प्लेज बाय हिम। एक बार फिर से देख लीजिए, यहां ही सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है और लूडो ऑब्जेक्ट है। आपको रूल में लिखा हुआ है कि इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वह सब्जेक्ट हो जाएगा, हमने उसे सब्जेक्ट के जगह पर लिखा है। फिर मैंने रूल्स में लिखा है कि इसके तुरंत बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, लूडो के बाद ऑक्सिलरी वर्ब इज का यूज किया गया है, चूंकि लूडो थर्ड पर्सन का है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज ऑक्सिलरी ही यूज किया जाता है, इसलिए इज को हमने लिखा है। और ये जो है वह सबसे अहम है, प्लेट क्रिया का तीसरा रूप आपके सामने है और उसके बाद हमने रूल्स में लिखा था कि बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले करते हैं। बाई को हमने लिखा है, यहाँ हिम लिखा है। आपके मन में बात आएगी कि यहाँ ही लिखा हुआ था तो हिम क्यों लिखा गया, तो सीधा सा उसका उत्तर है कि ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वह हिम होता है। हम केस टेबल को 5 क्लास में डील किया था और याद आपको होगा, ऐसा मैं आश्वस्त हूं। तो इसके हिसाब से इसका ऑब्जेक्ट जब भी बनकर आएगा, इसका ऑब्जेक्ट हिम होता है, इसलिए हिम ही इसका ऑब्जेक्ट आएगा। यह है आपके स्ट्रक्चर और यह है रूल्स। यहां एक उदाहरण मैंने आपको दिया है, आप रूल्स को याद करके और एग्जाम्पल को भी अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और एक्सरसाइज जो आपके इंग्लिश ग्रामर में वॉयस चैप्टर जहां से शुरू होता है उसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, आप उसमें से एटलीस्ट 10 एग्जाम्पल्स डील करेंगे। हम यहाँ एच डब्ल्यू आपको दे देते हैं। एच डब्ल्यू आपके लिए क्या है, एच डब्ल्यू है 10 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव टू पैसिव चैप्टर। एक्टिव टू पैसिव चैप्टर से जो 10 एग्जाम्पल्स हैं उसे आपको करके लाना है। आज के लिए आपके लिए इस पीरियड में इतना ही, धन्यवाद।